नमस्कार, यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार। इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्टाकॉन। आज मैं टाटानगर आदित्यपुर के स्टूडियो से आपके सामने खड़ा हूँ और आज मैं आपको राशिफल ही बताने वाला हूँ। इसमें जो छोटी मोटी बातें होंगी उसमें कुछ न कुछ टिप्स तो मैं दे ही देता हूँ, सबसे जुड़ा हुआ कुछ न कुछ बात रहती है। सुनेंगे तो कुछ न कुछ ज्ञान वर्धन तो जरूर होगा। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो सीख रहे हैं, विद्वानों के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो आज ये स्थिति ऐसी है कि टीवी में जो लोग अभी देख रहे होंगे, अब धीरे धीरे कुछ कुछ न्यूज़ भी आ रही है, नहीं तो अभी तक सारे टीवी लगभग एक को छोड़ करके राग दरबारी ही अलाप रहे थे। सारे टीवी एक ही राग को अलाप रहे थे, राग दरबारी। अब कुछ कुछ न्यूज़ आना शुरू हुआ है, तो आप लोगों ने न्यूज़ देखा ही होगा कि कितनी आग सभी जगह लगी। यहाँ तक कि उत्तराखंड के जंगलों में आग लग गई और बढ़ते बढ़ते और रिहायशी इलाके तक आ गया है, वहाँ तक पहुँच गई है आग। तो कहने का ये मतलब, जैसे मैंने आपको एक दो दिन पहले बताया था कि आग लगी नहीं है, आग लगाई गई है। जहां जहां आग लगी है वहां वहां आग लगाई गई है। अब कहेंगे कि कोई आदमी अपने प्रतिष्ठान में क्यों आग लगाएगा? हाँ, लगाते हैं लोग आग, मुझे मालूम है, जानकारी है मुझे इस बात की। किसी को अपना इंश्योरेंस का पैसा लेना रहता है, कभी किसी को कुछ दिवालिया दिखाना पड़ता है, कुछ रिबेट उसमें मिल जाते हैं, बहुत सारी बातें रहती हैं। दुनियादारी की बहुत सारी बातें हम लोग नहीं जानते हैं, जो चतुर लोग जानते हैं और जानबूझ करके इस गर्मी का नाजायज फायदा उठाते हैं, आग लगा करके कुछ न कुछ अपना उल्लू सीधा करने के लिए। तो मैं ये जो बात बोल रहा हूँ, इट मे बी ऑब्जेक्शनेबल फॉर लॉट ऑफ पर्संस, लेकिन ये बात सही है। ये बात मैं तब तक नहीं बोलता यदि मंगल राहु इकट्ठे नहीं रहते। मंगल राहु इकट्ठे हैं, मंगल माने आग, राहु माने कपट। तो ये कपट की आग है, छल की आग है, धोखा की आग है। और कल के टीवी में तो अखरी हो गया, चारों ओर सिर्फ एक ही दो टीवी दिखाते हैं, बाकी सब तो राग दरबारी में लगे रहते हैं, न्यूज़ भी नहीं आता है। हिमाचल प्रदेश उधर ऊपर में, उस बीच में भूकंप आया था जिसमें मैंने कहा था, वो किसी चैनल में नहीं, एक चैनल में क्षण भर के लिए चला था। तो परिस्थितियों को के अनुसार व्यक्ति को कुछ काम करना चाहिए, जानकारी रखनी चाहिए और स्थिति के अनुसार आप अपने को भी संभाल सकते हैं। अब इसी में बहुत सारे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। राहु जब मंगल के साथ उत्पन्न रहता है, राहु जब गुरु के साथ रहता है, तो भी बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। रोग की उत्पत्ति के अनेक कारण हैं। कभी कभी जैसे डेंगू, कभी किसी ने सुना था आज से 20 साल पहले? ऐसा नहीं था, ये सब रोग नहीं थे। तो परिस्थितियां ईश्वर के अधीन है, ईश्वर ही इन सारे चीजों का संचालन करते हैं। 14/5/19 और आज मंगलवार है, क्रूरवार है,
मंगलवार, मंगल कड़ा ग्रह है, इसी के ऊपर में ये नाम पड़ा है। सारे ग्रहों जो दिन का नाम है, ग्रहों के ऊपर नाम है, और इसके गुण धर्म उसी के समान होते हैं। सोमवार है तो चंद्रमा के ऊपर नाम पड़ा हुआ है, तो सोमवार का जो गुण धर्म है चंद्रमा के शीतल गुण धर्मों से मिलता जुलता है। और पहले एक ये लगन आज 28 डिग्री और 29 डिग्री के बीच में है, सूरज बुध शुक्र सूरज लगभग शाम तक में 29 डिग्री में आ जाएंगे, 2-3 में मंगल हैं और राहु हैं, राहु 26 डिग्री में है, चार 5 में चंद्रमा है 14:30 तक, 2:30 बजे तक हैं, उसके बाद 6 में चंद्रमा चले जाते हैं, सारा दिन 6 में रहेंगे, 7-8 में गुरु बकरी हैं, 9 में देखिए एक अजीब चीज है, 9 में शनि है, बकरी है, और ये 26 डिग्री में है, केतु है, बकरी होते ही है ये, लेकिन ये भी 26 डिग्री में ही है, 10-11-12 ये आज का वह चक्र है, आकाश का चक्र ऐसा है आज। और आज संवत 2076 महीना वैशाख पक्ष शुक्ल ये मंगलवार थोड़ा सा आज दूषित है, तिथि 10 ये भी दूषित तिथि है आज, नक्षत्र में भी थोड़ा फर्क पड़ गया है, इसमें उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र ये 8:53 से हैं,
योग बढ़िया नहीं है, ये भी व्याघात योग है। ये सही नहीं है। और इस उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो सूरज है। तो व्याघात योग जो स्थिति होती है, व्याघात योग की मैं थोड़ा ढूंढ रहा हूँ, ये शुभ तो है नहीं, लेकिन इनके विश्वमत व्याघात इसके वायु बोलते हैं। इस योग के जो व्याघात के जो स्वामी हैं वो वायु हैं, एयर। और दसवीं तिथि के जो लॉर्ड होते हैं ये यम होते हैं। यम मीन्स काल। तो तिथि गड़बड़ है, योग गड़बड़ है, वार गड़बड़ है, चंद्रमा सिंह में जब तक हैं ये गड़बड़ है, जब कन्या में आते हैं तो थोड़ा ठीक होते हैं। तो ये तो आकाश का जो मैप है, मैप ऑफ द स्काई यही है। और आज का नक्षत्र सूरज का है, तो सूरज लिखा, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र। तो इसके जरिए हम पहले जान लेंगे कि आज का दिन नक्षत्र के क्लासिफिकेशन से ये हम जान लेंगे कि आज का दिन कैसा है, दिन कैसा है, ये जानना जरूरी है। और थोड़ा बहुत जानना चाहिए, पहले जैसे मैं बोलता था नक्षत्र के बारे में बहुत डिटेल मेरी बात होती थी, तो अभी एक मोटा मोटी बात, चूंकि और सब भी बहुत सारा चीज जोड़ दिया हूँ, तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है इसमें उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में दो स्टार होते हैं, इंपॉर्टेंट स्टार। अब या तो जैसे पलंग का दो पाया है वो समझ लीजिए, या बकरी के दो पैर हैं ये समझ लीजिए। तो ये इसमें ये जो तारा है और ये जो नक्षत्र है ये सूरज का नक्षत्र है। सूरज को आत्मा बोलते हैं, आप जानते हैं इस बात को, सूरज मतलब आत्मा। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जब सूरज रहे, ये तो चांद है, लेकिन उत्तर फाल्गुनी में किसी का सूरज हो और यदि वो व्यक्ति ऐसे परिवार में जन्म हुआ है जहाँ पर धर्म की विशेषता है, तो लगभग लड़का ज्ञानी, पंडित और धार्मिक होता है। आप देखते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे आजकल संन्यास ले रहे हैं जैन मुनियों के आश्रम में जा करके, इट इज़ अ न्यूज़, टीवी में दिखाया जाता है, छोटी बच्ची है, सब कुछ त्याग करके भिखारन के बेस में आकर के धर्म को अवलंबन कर लेती है। तो उत्तरा फाल्गुनी में यदि सूरज रहे तो मोक्ष के प्राप्ति करने का लक्ष्य उसको मिल जाता है, उस लड़के को। एक बात मैं बता रहा हूं, इसको आप जैसे इंटरप्रेट कर लीजिए, सब तरह से आप पाएंगे इट इज अ पॉजिटिव थिंग, इट इज अ पॉजिटिव थिंग। ये बड़ी बात कही, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं,
यदि किसी का सूरज उत्तरफ फाल्गुनी में मिले तो आप ये समझ सकते हैं कि लड़का निष्कपट है, छल कपट नहीं है। यदि इसके अंदर में छल कपट आया है तो कहीं से इसके भीतर में ड्रॉप कर दिया गया है, संपर्क के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, दुश्मनों के द्वारा ऐसा कर दिया गया है। अब दुश्मनों की बात हमने इसलिए कहा कि हमारे यहाँ गांव वगैरह में ऐसा है कि था कि यदि किसी का लड़का पढ़ने की ओर तेज है तो उसको जबरदस्ती 10 लड़के मिल करके जुआ खेलना, पान खिलाना, ये करके उस लड़के को बर्बाद कर देते थे, इसलिए कि उसके माता पिता उसमें संलिप्त रहते थे। बोलते थे कि देखो तुम तो नालायक हो गया, उसका वो बेटा इतना बड़ा हो गया, वो तो धनाढ्य हो जाएगा, पढ़ लिख करके बड़ा आदमी हो जाएगा, उसको अपने साथ खिलाओ उसको। तो ये सब चीजें होती थी, ईर्ष्यावश। तो ऐसा भी कर दिया जाता है। आत्मा तो पवित्र, मूलतः भगवान आत्मा पवित्र देते हैं ऐसे बच्चों की। और जब ये नक्षत्र दूषित हो जाता है तो कुछ रोग जो होते हैं वो ओठों में होते हैं, ओठ और माउथ में होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स में होते हैं, हाथों में होता है, स्किन सेंसिटिव होते हैं और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में होता है प्रॉब्लम। इस उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की ये विशेषता है कि इस नक्षत्र, जैसे लकीली उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है लेकिन इस चंद्रमा के साथ कोई दूषित ग्रह नहीं है, लेकिन कन्या में जब आ जाते हैं नक्षत्र 2:30 बजे के बाद चंद्रमा सिंह से कन्या में आ जाते हैं तो मंगल राहु की सम्मिलित दृष्टि इस पर पड़ेगी, ये दूषित हो जाता है, इनको रोग संभावना है। लेकिन 2:30 बजे के पहले जो इनका जन्म हुआ उनको रोग होने की संभावना नहीं है। ये सब छोटी छोटी बातें बोल रहा हूँ ना, एक गंभीर चीज है, इसको समझिए। ये गंभीर, ये सब चीजें बड़ी गंभीर होती हैं, छोटी बात लगती है सुनने में लेकिन बहुत गंभीर होती है। और इसके ऊपर में कुंडली का दिशा निर्देश भी सिंचित हो जाता है। लगन 3 है, जन्म लगन, सूर्य लगन और चंद्र लगन। तो ये तीनों लग्न यदि किसी के गए, डूब गए और पाप प्रभाव में आ गए तो आदमी तो खत्म हो गया। 2 लग्न पाप प्रभाव में आए तो चलिए 1/3 बचा हुआ है, 30%। 1 लग्न खराब है तो 60% तो वो बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है। तो इस तरह की स्थितियां होती है। कुंडली देखने में हर चीज को उतना ही महत्व दीजिए, किसी को नेग्लेक्ट मत कीजिए आप, नहीं तो वो कष्टप्रद बात हो जाएगी। तो लेट अस फर्स्ट एनालाइज ऑफ द डे। एनालिसिस ऑफ द डे में मंगलवार है, अग्नि का दिन है, तिथि 10वीं है, इसको यमराज का दिन बोलते हैं। इसलिए यदि 10वीं युक्त एकादशी होती है, जिस दिन 10वीं भी हो और एकादशी हो, 10वीं यदि 1 मिनट के लिए भी हो तो एकादशी व्यर्थ हो जाता है, उस दिन एकादशी नहीं होती है। दूसरे दिन जो 1 मिनट पड़ेगा वो दूसरे दिन एकादशी होती है। तो नक्षत्र भी बहुत खराब है, तिथि बहुत खराब है, यम का तिथि है, मंगलवार है, और उत्तरा फाल्गुनी में चंद्रमा भी कमजोर है, और योग व्याघ्यात का है, वायु का है। तो आज वायु का वेग थोड़ा गर्म हवा चलेगी, लू लग सकती है। अब जो लोग प्रोसेशन निकालते हैं तो उनके तो जान प्राण पर बनी रहती है, जीत गई, एक बार कुर्सी मिल गई तो प्राण बच गया, उनके 10 समर्थक चाहे मरे जाएं मारे जाएं उससे कोई मतलब नहीं, उनको तो मतलब वही है, भीड़ जुटाना है, पैसे लेकर के बुला लो, मर जाए तो मर जाए, कोई बात नहीं है, देश इस अंधकार में डूब चुका है भी। तो आज चूंकि सूरज का नक्षत्र है, इसलिए जिन लोगों का सूरज के 3 नक्षत्रों में जन्म हुआ है उनके लिए दिन जन्म तारा है। आपके आयु के लिए आज ठीक नहीं है, हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, रोग के लिए ठीक नहीं है, लू लगने के लिए ठीक नहीं है, पित्त के लिए ठीक नहीं है, बाइल्स के लिए ठीक नहीं है, कुछ भी गर्म चीज मत खाइए, अशात्विक भोजन किए तो गए, आज आपका दिन ठीक नहीं है। और सूरज भी 29 डिग्री में है, रात में 29 डिग्री में सूरज रहेंगे
तो कितना तांडव होगा आग का अंदाज लगाइए आप। और सूरज 29 डिग्री होने का मतलब है कि सूरज फेल्योर स्टेज में रहेंगे। सूरज को पृथ्वी बोलते हैं, बहुत बार बोल चुका हूं, तो पृथ्वी तो फेल्योर स्टेज में रहेंगी और गुरु यहां से अष्टम भाव में रहेंगे, बलि है, तो दिन नहीं अच्छा लगता है। जो आकाश का जो बैलेंस है, ग्रेविटेशनल पुल है, वो गड़बड़ा सकता है, ये हिल सकती है, ये धरती हिल सकती है, संभावना है। और ये रात में ही घट रहा है, भगवान करे ये नहीं हो। तो चंद्रमा के तीन नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए चंद्रमा शुभ है, ये परम मित्र तारा पड़ेगा इनका। तो आपका दिन व्यवहारिक जीवन में दिन आपका ठीक है, कोई आदमी आपसे शत्रुता नहीं करेगा, झंझट नहीं करेगा, मारपीट नहीं करेगा, आपके लिए कुछ अच्छी खबर ही रहेगी। यदि आप सात्विक आदमी है तो भगवान की कृपा बनेगी आपके ऊपर में। और चंद्रमा के तीन नक्षत्र होते हैं रोहिणी, श्रवणा और हस्त। मंगल के तीन नक्षत्र हुए मृक्षरा, चित्रा और धनिष्ठा। ये आज जो जिनका ये तीन नक्षत्र है, यद्यपि मंगल आज क्रूर वार में है, अग्नि के साथ पड़ा हुआ है, और आपका भी नक्षत्र मंगल का है, तो पहले तो मैं कहूंगा कि हाँ डरने की बात है, आपको सावधान रहना है। आप गाड़ी चला रहे हो तो पहले अपनी गाड़ी की इंजन चेक कर लो, कार चला रहे हो कुछ ऐसी बात है कि नहीं कि आग लग जाए कार में स्वतः। टेम्परेचर बढ़ा रहेगा, कल का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा और वायु के भी प्रवाह रहेंगे, लेकिन ये रहेंगे मित्र तारा में। अल्टीमेटली आपका नुकसान कुछ नहीं होगा मंगल के तीन नक्षत्र वालों को। राहु के तीन नक्षत्र आद्रा, स्वाति और शतभिषा, आपके लिए ये दिन खराब है आज। जन्म संपद विपद क्षेमा प्रत्यारी साधक बाधक, तो बध तारा में है, डेथ स्टार में है, डेथ जोन में है। तो राहु के लिए जिन नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म है, कृपया आप अपनी सुरक्षा कीजिए। एक शब्द में बोल रहा हूं, धोखा से बचिए, छल कपट प्रपंच धोखा से बचिए। आप यदि इस तरह के लोग हैं तो आप सुनते हैं ना, दोस्त को अपने घर में बुलाया और उसको रास्ते में गोली मार दिया, देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, तो आप धोखा से बचिए। यदि आप दुर्जनों के साथ रहते हैं तो आपके साथ धोखा हो सकता है। मेरा काम है सबके भलाई के लिए बात करना, आप भी भगवान के भेजे हुए दूत हैं, आपके भी आत्मा है, आत्मा में भगवान है, किसी कारण बस आप गलत रास्ते पर उतर चुके हैं, आप अपने को संभाल करके वापस अपने रास्ते पर आ जाइए तो ईश्वर आपके साथ आ जाएंगे। गुरु के तीन नक्षत्र जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी साधक, ये सक्सेस स्टार में है, सक्सेस। मैं एक सच्ची घटना बताता हूं, मैं आपको पटना से एक व्यक्ति आए मेरे पास कि सर मैं आपका संगत चाहता हूं, आप गुरु तो बनाते नहीं हो, शिष्य तो बनाते नहीं हो, आशीर्वाद चाहता हूं। और इनके नाम से गांव, शहर, दुकान, लोग कांपते थे। तो हमने कहा तुम्हारी राह अलग है, मेरी राह अलग है, तुमको तुम्हारे संगति को मैं कैसे स्वीकार करूं। तो उसने कहा कि नहीं सर, मैं तो आपका शिष्य हो चुका हूं, स्वीकार करें या ना करें, सिर्फ आपसे पूछने आया हूं कि किस दिन से मैं अपने को अपने परिवर्तित मानूं। मैंने कहा वो तो कोई भी क्षण हो सकता है, अभी भी हो सकता है।
तो उन्होंने कहा कि सर हमको एक महीना का मोहलत दे दीजिए। उनका एक महीना का मोहलत क्यों मांग रहे हो? तो नहीं कहा कम से कम 15 दिन का मोहलत दे दीजिए। हम कहा ठीक है, 15 दिन का मोहलत दिया। मैंने तारीख पंचांग देख लिया था। तो हमने कहा आखिर करोगे क्या? तो उसने कहा कि सर मेरे पास एक पिस्टल है, मैं बेचूंगा तो 1.5 लाख रुपया मिल जाएगा, और नहीं बेचूंगा तो अब आपके सानिध्य में आ गया हूं तो बेकार हो जाएगा ये। हमने कहा मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम इतना तारीख को मेरे पास आना, मैं इतना ही जानता हूं। व्यक्ति आया और उसकी जिंदगी बदल गई। बदल गई तो बदल गई, वो समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो गया। जो कर्म हमने उसको कहा करने के लिए, समाज का वो एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हो गया। जितना ही उसका दुर्नाम था उतना ही उसकी कृपा हो गई भगवान की। तब भी हमने कहा कि देखो इतना अपराध तुम किए हो कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारी आयु कितने दिन है। तो उन्होंने कहा कि सर आयु की अब फिक्र नहीं है, कष्ट से ना मरो, बेइज्जत हो के ना मरो। कहे तो मेरे हाथ में नहीं है जी। अंततः वो व्यक्ति पेट के अंदर में कुछ ऐसी बात हो गई थी कि उसमें बेचारे बहुत इलाज कराए, नहीं बचे, मर गए। लेकिन वो व्यक्ति बदल चुका था, बिल्कुल बदल गया था। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी इंस्टेंस हुई हैं मेरे साथ, इसलिए बोल रहा हूं कि जो राहु के 3 नक्षत्र में जो लोग हैं, आपके लिए आज का दिन तो खराब है, लेकिन आप शरण में लौटिए ना भगवान के, जीवन बदल जाएगा आपका। तो गुरु के 3 नक्षत्र हुए पुनर्वशु, विशाखा, पुनर्वशु और पूर्वा भाद्रा, आपके दिन अच्छे हैं। शनि के 3 नक्षत्र हुए पुष अनुराधा उत्तरा भाद्रा, जन्म संपद विपद क्षेमा प्रत्यारी, ये एनिमी स्टार है, थोड़ा सा मुंह बंद कर लीजिए। कहावत है ना, बोबार शत्रु नाई, जो आदमी गूंगा है ना उसका तो कोई शत्रु होता ही नहीं, वो बोलता ही नहीं है, उसकी बोली होती ही नहीं समझ में आती, शत्रु कौन बनेगा उसका। तो यदि बोली आप शांत कर दें, अपने बोली को विराम दे दें, शांत कर दें, ठंडा कर दें, शीतल कर दें, तो शनि के 3 नक्षत्र वाले पुष अनुराधा उत्तरा भाद्रा आराम से जी सकते हैं, अन्यथा थोड़ा खराब है, मैंने एक क्रॉस मारा है। बुध के 3 नक्षत्र जन्म संपद विपद क्षेमा, एक कल्याण का दिन है आपका, कल्याण होगा, वेलफेयर होगा, कल्याण का दिन है। बुध के 3 नक्षत्र हुए आश्लेषा ज्येष्ठा और रेवती, दिन अच्छे हैं आपके, बिल्कुल दिन अच्छे हैं। सूरज से थोड़ी दूरी तो जरूर है लेकिन बहुत दूरी नहीं है, इसलिए आपके राइटिंग्स, आपके जो लोग खाता बही देखते हैं वो लोग ठीक कर लीजिए, ठीक कर लीजिए खाता बही, थोड़ी सी नुकसान होने की संभावना दिखती है। अदरवाइज बुध तो बहुत बढ़िया है आपके लिए, सारे ठीक ठाक हैं। केतु के 3 नक्षत्र होते हैं अश्विनी मघा मूल, आपके लिए समय खराब है, विपद तारा है, डेंजर जोन में है, विपद। कुछ भी ऐसा ना करें जो आप बैल मुझे मार वाली हालत हो जाए। बंगाल में देखिए 1-2 हिंसा हो गई, मर गए लोग। साउथ में मर गए बहुत सारे लोग, बहुत जगह मर गए, सप्रेस किया जा रहा है बहुत सारे न्यूज को। तो ये लोग आ बैल मुझे मार वाली ही स्थिति कर रहे हैं।
थोड़े से पैसे के लोभ में कुछ भी कर पा रहे हैं, किसी भी पार्टी के लिए जान दे दे रहा है। कोई आदमी ऐसे कोई कि नहीं करता है, बिना पैसा लिए कोई आदमी कुछ नहीं करता है। भिखारी के यहाँ भी यदि आप अपने दरवाजे से चार बार लौटा दिए तो पांचवीं बार वो आपके दरवाजे पर भीख मांगने नहीं आएगा। ये सत्य है। मेरे बगल में जो सज्जन रहते थे, रेलवे की बात बोल रहा हूं, तो संडे संडे को भिखारियों का झुंड आया करता था। एक बैच में 20 आदमी है, दूसरे बैच में 10 आदमी है, सबका अपना अपना जोन था और सबको मेरे सामर्थ्य के हिसाब से 10 पैसे से शुरू किया था। बाद में मैं 4 आने तक देने लग गया, 8 भी देना शुरू किया, गिन करके देता था। 10 आदमी है, अच्छा चलिए तो आपके 20 8 हुए। भीड़ लगी रहती थी, जब तक मैं नहीं निकलता था वो लोग जाते ही नहीं थे। कोई आदमी बोलता था ठीक है लीजिए ना 5 रुपया दिया जाइए, बोलते ना तुम्हार थके नहीं, वो ना तुमसे नहीं लूंगा मैं, ओ बाबू हमको 8 आना करके देता है, 1 सिक्का 1 आदमी के तरफ से देता है, 1 चौनी देता है। और बगल वाले जो हमारे सज्जन थे उनके घर में वो लोग झांकने भी नहीं आता था, हमसे लिया रोड में सीधे बढ़ गया। जबकि हमारे जो पड़ोसी थे मेरे से चौगुना पचगुना संपन्न थे, सब कुछ था उनके पास। तो एक भिखारी को भी यदि आप कुछ ना देंगे तो आपके पास भीख मांगने भी नहीं आएगा, यही दुनिया है। तो जो लोग अपना प्राण दे रहे हैं किसी पार्टी के लिए बिना पैसा लिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यदि ऐसा है तो आदमी परम मूर्ख है, नाहक जान गमा रहा है। तो अभी भी समय खराब ही चल रहा है, अगला इलेक्शन 19 तारीख को है, स्थिति अभी भी ठीक नहीं है। ठीक नहीं है तो नहीं है। केतु वाले सावधान रहिए, अश्विनी मघामूल, शुक्र के 3 नक्षत्र होते हैं, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा साढ़ा, आपके लिए संपत्ति तारा है, धन पाने का दिन है, कहीं से भी धन आ सकता है। लुटेरे भी धन दे दें, पार्टी वाले भी धन दे दें, बाकी बकैया पैसा भी मिल जाए आपका, आपकी कहीं किसी को पैसा दिए हुए लौट के आ सकता है, मिल जाएगा आपको। तो दिन आपके अच्छे हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हुआ बाय स्टार, पहले इसको जरूर देखिए। कोई भी आप राशिफल बोल लिए तो पहले इसको जरूर देखिए, नक्षत्र से आप बता दीजिए दिन आपके अच्छे हैं या बुरे हैं। ये नहीं कि पीपल के गाछ में पानी डाल दीजिएगा तो सब कुछ हो जाएगा, लाल किताब पर भरोसा मत कीजिए, अपने पर भरोसा कीजिए, अपना हाथ जगन्नाथ, अपनी आत्मा आपकी आत्मा ईश्वर के साथ जुड़ना आपको है। राशियों में मैं पूरी बात नहीं बताऊंगा, जिनके लिए खराब है उन्हीं के लिए बोल रहा हूं। देखिए मेष राशि में सूरज 29 डिग्री के हैं तो मेष राशि के लिए समय तो खराब हो गया, और आपके 9th हाउस में भी शनि गुरु 26 डिग्री में है, एकदम एक दूसरे के ऊपर, शनि और गुरु, शनि माने लोहा, केतु माने काटी, तो काटी सिर पर रख के ठोकी जा रही है मेष राशि वालों को, मतलब चोट लग रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है, आपका समय बहुत खराब है मेष राशि वाले। आपका समय कह सकता कि कितना परसेंट, बहुत बोलूंगा, बहुत अच्छा बोलूंगा तब भी बोलूंगा 40%। तो बिल्कुल सावधान हो जाइए, गाड़ी उड़ी चलाना थोड़ा भूल जाइए थोड़े दिन के लिए, तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना तो भूल ही जाइए। और पूरब दिशा आपके लिए खराब है, पूरब दिशा खराब है, पूरब दिशा खराब है मेष राशि। और एक तो प्रातः काल जिसमें आप सूरज निकल रहे हैं ठीक उसी समय से 1 घंटा का समय खराब, दूसरा 2 बजे से 4:30 बजे तक का समय खराब है, नोट कर लीजिए आप,
दो से साढ़े चार बजे तक का समय खराब है। इस समय जो दो समय हमने मना किया इसमें गाड़ी वाड़ी ना चले, अपने को रिस्क में ना डालिए, आप बैर मुझे मार वाला हिसाब मत कीजिए। मेष राशि। वृषभ राशि वालों के लिए भी बहुत बढ़िया समय नहीं है, लेकिन चूंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है इसलिए थोड़ा सेव है आप। हालांकि वृषभ के लिए गुरु अच्छे ग्रह नहीं माने गए हैं, गुरु अशुभ ग्रह होते हैं, फिर भी गुरु की दृष्टि के कारण थोड़ा ठीक है, नहीं तो पाप कर्तारी योग बना हुआ है। इधर सूरज इधर मंगल बीच में आग है, आप है तो आप आग के लपटों से घिरे हुए हैं वृषभ राशि। और मृत्यु के घर में भी शनि और केतु हो गए, तो अधिकांश लोग वृषभ राशि के जो लोग हैं वो झंझट में पड़ेंगे, एक्सीडेंट में पड़ेंगे, मृत्यु के मुख में पड़ेंगे, मेजोरिटी वही होंगे वृषभ राशि वाले लोग। आज जितने लोग जाएंगे उसमें मेजोरिटी होंगे वृषभ के लोग। थोड़ा सा मेरी बात को कीमत दे दीजिए, आपकी जान आपकी जान नहीं है, आपकी जान आपके बाल बच्चों की भी जान है, माता बहन पत्नी सबके लिए आपका जान इम्पॉर्टेंट है, समाज के लिए जान इम्पॉर्टेंट है। मिथुन में मंगल राहु है तो ये भी ठीक नहीं है, और यहाँ से सातवें घर में शनि केतु एकदम एक डिग्री पर है, झगड़ा मत करो पत्नी के साथ नहीं, दोस्त के साथ नहीं, पति पत्नी जो हो तो बहरे हो जाओ, कोई एक आदमी तो बहरे हो जाओ। और जो लव बर्ड्स हैं थोड़ा सावधान रहिए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, क्लोजनेस जितना कीजिएगा गए। कर्क राशि के लिए ये तो बड़ा शुभ हो गया, शनि और केतु बहुत शुभ हो गया। द्वादश भाव में मंगल राहु है, फालतू का खर्चा हो सकता है, आंख में तकलीफ हो सकती है, ये ध्यान रखिए, बाकी और कुछ नहीं है, बाकी सब ठीक है। टेंथ हाउस में सूरज 29 डिग्री के हैं तो 15 तारीख तक हैं, 15 तारीख के बाद से सूरज यहाँ आ जाएंगे 11th हाउस में, ये भी आपका बढ़िया है, एक महीना बढ़िया जाएगा। तो 15 जून से 15 जुलाई तक, 15 मई से 15 जून तक का समय आपका काफ़ी बढ़िया जाएगा कर्क राशि वाले, आपका समय लगभग 80 पैसा अनुकूल है। मिथुन राशि वालों का भी समय मुश्किल से 60 पैसा, वृषभ राशि का तो मैं कुछ नहीं कह सकता। सिंह राशि के जो हैं ये पंचम भाव में, तो बाल बच्चों पर ध्यान रखिएगा, और यहाँ से 7, 8, 9 भाव पिता का बोलते हैं, तो गुरुजनों के प्रति भी ध्यान दीजिए, बच्चे और गुरुजन दोनों आपके लिए समस्या हैं अभी सिंह राशि। और अपने को भी बचाइए, कारण कि 29 डिग्री में पड़े हुए हैं तो कहीं एक्सपोज मत कीजिए अपने को, अपना एंगर को, अपने विरोध को, इस सबको एक्सप्लोर, कहीं चैलेंज मत कीजिए अपने शत्रुओं को। सिंह राशि वाले लोग शांत रहिए। कन्या राशि में चौथे घर में शनि केतु का 26 डिग्री का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं दिखता है, घर के अंदर में झंझट और दुख की सृष्टि संभव है। कन्या, और यहाँ से 7, 8 अष्टम भाव में भी सूरज शुक्र है बुध है वो भी ठीक नहीं दिखता है। चंद्रमा से, आपके चंद्रमा से सूरज तो यहाँ से अष्टम हो गए तो ये भी ठीक नहीं दिखता है। तो कन्या राशि वाले भी लोग थोड़ा अपने को हिफाजत में ही रखें, अपने को हिफाजत में रखिए, नहीं तो समय गड़बड़ हो जाएगा आपका। तुला राशि, शुक्र की दृष्टि है, सूरज की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, मिक्स्ड समय है, मान मर्यादा रुतवा प्रतिष्ठा तो है, यहाँ तक कि तीसरे का जो शनि और केतु है पाप ग्रह शुभ हो जाते हैं, तो ये भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ा रहा है, पावर बढ़ा रहा है, शक्ति बढ़ा रहा है, संपन्नता दे रहा है, आपके बल का प्रभाव है। लेकिन यदि आप दबंग बनते हैं तब तो मुसीबत में है आप, तब मुसीबत में है आप। और सेवेंथ हाउस में शुक्र है, सूरज है,
थोड़ी सी आग लगी हुई है दाम्पत्य जीवन में, उसको मीठा कर लीजिए। नाइन्थ हाउस में मंगल राहु है, लीगल मैटर्स से दूर रहिए। थोड़ा भी लीगल मैटर्स को लेके छेड़छाड़ करोगे आप झंझट में पड़ जाओगे। समय आपका भी बहुत बढ़िया नहीं है, मुश्किल से 60 पैसा। समय अच्छा है ही नहीं, मैं क्या मार्क्स दूं मुझे समझ में नहीं आता। वृश्चिक राशि, मंगल आपके यहां से अष्टम भाव में मंगल आ गया राहु के साथ, और सिर्फ यहां पर एक गुरु बैठा हुआ है जिसके कारण आप सुरक्षित हो। नहीं तो सेकंड हाउस में बोली गड़बड़ है, बोली को संभालिए आप। एक ही सेम डिग्री में चल रहे हैं ना ये केतु और राहु, बोली संभालो। और कुछ भी अखाद्य भोजन मत करो माउथ में, यह रोग आ जाएगा। आजकल तो किसी डॉक्टर के पास जाओ तो बोल देगा ये बहुत बड़ा बीमारी हो गया है, आपको अमेरिका जाना पड़ेगा। तो जो लोग दारू पीते हैं उनसे मैं क्या कहूं, और जो लोग अशुद्ध अखाद्य भोजन खाते हैं, मांसाहारी हैं, उनके लिए तो कहूंगा एक आध महीने भी तो थोड़ा सा तो ये गुरु और शनि को थोड़ा दूर जाने दो ना आपस में, तो तब तक थोड़ा तो छोड़ दो, नहीं तो नौका लकड़ी 90 खर्चा। एक दो तीन चार पांच छह, छठे घर में सूरज और शुक्र और बुध है, ये बढ़िया है, ये आपको रक्षा कर रहे हैं रोग से, मारपीट से, झंझट से, बीमारी से, मर्यादा विहीन कर्तव्यों से, इन सब चीजों से ये रक्षा कर रहे हैं। ये तीन ग्रह मिलकर के आपको रक्षा कर रहे हैं। अष्टम में मंगल है, ये थ्रोट में, ब्रीदिंग कॉर्ड में, स्पीकिंग वॉइस वाला, उसमें इस समय झंझट कर रहे हैं, तो सावधान रहिए। समय आपका भी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से 65 पैसा अनुकूल है आज दिन, आपका भी ठीक नहीं है। धनु राशि, राम रक्षा स्त्रोत पढ़िए, एकदम जीरो माने 26 डिग्री 26 डिग्री है, भगवान राम को सरेंडर कर दीजिए प्लीज, मान लीजिए मेरी बात। धनु लग्न, धनु राशि से ज्यादा धनु लग्न विशेष, इसलिए कि ये नाइन्थ हाउस में है, तो नाइन्थ हाउस में है तो सूरज भी लग्न होते हैं, चंद्रमा भी लग्न होते हैं, और लग्न लग्न ही होते हैं, तो लग्न ही प्रभाव में आ गया। तो धनु राशि वाले थोड़ा ध्यान दें, एक दो तीन चार पांच बच्चों से परेशानी, बाल बच्चों से परेशानी हो सकती है। यहां से 7 दाम्पत्य सुख में भी थोड़ी कमी आ सकती है, बाकी तो सब ठीक है। तो आप यदि राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करते हैं या भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान राम का जे न के न प्रकारे न, तब समय आपका 70 पैसे तक अच्छा है। मकर राशि, चौथे घर में सूरज शुक्र और बुध है, ये ठीक नहीं है। मकर राशि वाले घर के अंदर में क्रोध ना करें, तनाव ना आने दें, किसी को डिप्रेशन हो जाए ऐसा क्रोध ना चाहिए, ध्यान रखिएगा। कारण कि शनि मकर राशि के लॉर्ड जो शनि है वो केतु के साथ है, तो आप पे क्रोध तो इनबिल्ट हो गया है अभी, इस चीज को समझिए। तो छठे घर का मंगल राहु मदद कर रहा है मकर राशि वालों को, ये छठे घर का मंगल राहु बहुत मदद कर रहा है, शत्रु रोग परेशानी झंझट अग्नि सबसे आपकी रक्षा भी हो रही है। 2:30 बजे तक चंद्राष्टम लगा हुआ है, 7, 8, 9, 10, 11 में शनि है, चंद्राष्टम का प्रभाव नहीं है, और छठे घर में जब आ जाएंगे तो यहाँ से 7, 8, 9 भाव में रहेंगे 2:30 बजे के बाद से, क्योंकि चंद्रमा कमजोर है, अन्यथा कल 2:30 बजे के बाद से थोड़ा समय अनुकूल आपको लगेगा। मकर राशि वालों के लिए भी 65 पैसा ही दिन अनुकूल है। कुंभ राशि वालों के लिए समय ठीक है, केतु का और शनि की दृष्टि पड़ रही है, सिर्फ सूरज गड़बड़ है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम ना आने दीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम ना आने दीजिए। आपसे ऊपर कोई भी हो, अच्छे या बुरे, मूर्ख या विद्वान,
कमजोर या बली सबके सामने दंडवत ही रहिए। मत विभेद कीजिए कि मैं सुपीरियर हूं। प्लीज ये विशेष ध्यान दीजिए, कुंभ राशि वाला आपके लिए तो समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। सिर्फ बच्चे पर ध्यान दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 बच्चे के घर में मंगल और राहु है। अभी छुट्टियां चल रही हैं, देख लीजिए बच्चे गलत रास्ते में तो नहीं जा रहे हैं, किसी गलत दोस्त को तो नहीं बना लिए हैं। वो दोस्त श्याम वर्ण का ही होगा तभी उसको छेड़छाड़ कीजिए, यदि श्याम वर्ण का नहीं है, गोरा रंग का लड़का उसका दोस्त है तो कोई बहुत विशेष चिंता मत कीजिए, वो थोड़े दिन की बात है, अलग हो जाएगा। मीन राशि, धन हानि की बात दिख रही है, परेशानी की बात दिख रही है, बाल बच्चों से परेशानी दिख रही है, चौथे घर में मंगल राहु ये ठीक नहीं दिख रहा है, माता जी के लिए भी या घर के अंदर में जो शांति है वो अशांति में बदल गया है, और राहु है तो मैं कहूँ षड्यंत्र से बदल गया है, धोखा से बदल गया है, कोई जानबूझ करके आपके घर में आग लगा रहा है, आपके घर के अशांति में शांति में आग लगा रहा है, ये राहु है, राहु ये छल कर रहा है, ये भगवान को ठग लिया तो आप क्या चीज है। मीन राशि वालों को बोल रहा हूं, यहां से सातवें का चंद्रमा ठीक है, यहां से फिर 7, 8, 9, 10 जॉब के घर में शनि केतु है, ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा सा स्थिति हो गया। आप अपने जॉब के बारे में ऐसा है इतना चिंता जरूर कीजिए कि आपकी नौकरी ना जाए, ये ध्यान रखिए। नो प्रेस्टीज इशू, नथिंग एल्स, शांत रहिए, समय अनुकूल नहीं है। राशियों के लिए यहीं तक। कर्क राशि के लिए समय बढ़िया है, तो कर्क राशि भारतवर्ष का भी राशि है, इंडिया का भी राशि है, और लग्न इंडिया का यह है, इंडिया का लग्न यह है, तो ये तो ठीक दिखता है, लेकिन लग्न में ठीक नहीं दिखता है, दक्षिण भारत ठीक नहीं दिख रहा है। और 19 तारीख को जो इलेक्शन है उसमें साउथ में जो इलेक्शन होगा वो डेंजरस हो जाएगा, उत्तर पूर्व में जो इलेक्शन होगा वो डेंजरस हो जाएगा, वहां पर भी प्राण जाने की बात रहेगी, मैं भारतवर्ष के लिए बोल रहा हूँ। और मंगल राहु के साथ जुटा हुआ है, पाकिस्तान बहुत बड़ा छद्म प्लान कर रहा है भारतवर्ष के खिलाफ में, बहुत बड़ा, मैं सब बहुत बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा धोखा देने की तैयारी में है। आज यहीं तक, इति शुभम, तेहन दो, निनाग्गे, जोहार।